पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आ रहा है। यहां आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि मरने के बाद भी 17 लोगों की बुढ़ापा पेंशन आ रही है। आरटीआई लगाने वाले छोटा त्रिलोकपुर निवासी बशेश्वर नाथ ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से उन्हें पता चला है कि उनकी माता की मृत्यु हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के बाद कई महीने बुढ़ापा पेंशन आती रही। बिशेश्वर सिंह ने बताया कि वर्मी देवी की 21 महीने, बचना राम गणेशपुर की 26 महीने, नराती देवी गणेशपुर की 21 महीने पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद भी बुढ़ापा पेंशन आ रही है और निकाली भी जा रही है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरे मामले में दोषी कौन है। जब इस बारे में खेत पुराली वाली पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी संजीव शर्मा से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि स्थानीय पोस्ट ऑफिस स्तर पर कोई धांधली नहीं हुई है, किसी मृतक की पेंशन वितरित नहीं की गई है। हम मारने वाले पेंशन धारक के बारे में फोन पर समाज कल्याण कार्यालय में सूचित कर देते हैं। अगर फिर भी किसी के खाते में मरने के बाद पेंशन आ रही है तो वो निकाली नहीं गई है। जब इस पूरे मामले के बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो जांच का विषय है, मैं पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई जानकारी दे सकता हूं। मृतकों को बुढ़ापा सम्मान भत्ता वितरित करने का मामला प्रकाश में आया है, अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि ऐसी कोई कोताही हुई है तो जिम्मेदार कर्मचारी पर जल्द ही विभागीय कार्यवाही की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में इस मामले की जांच शासन प्रशासन द्वारा करवाई जाती है और मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आएगी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।